कांग्रेस में तो टिकट को लेकर इतनी माथापच्ची और इतनी जो मतलब संघर्ष वाली स्थिति नहीं है, परंतु भाजपा में फिलहाल जो देखा जाए तो वो टकराव की स्थिति बन रही है। यहाँ पर एक नई पार्टी और उभरी है, बाप पार्टी, तो इसका अस्तित्व तो अभी अभी हुआ है, परंतु इनकी जो जड़ें हैं वो काफी मजबूत है। त्रिकोणीय जो ये मुकाबला रहेगा तो काफी, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज हम खड़े हैं प्रतापगढ़ विधानसभा में। हमारे साथ प्रतापगढ़ के पत्रकार खड़े हैं, पत्रकार से जानते हैं, विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं, इस बार प्रतापगढ़ जिले और धरियाज विधानसभा में किस तरह से माहौल रहेगा, इनसे हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पत्रकार महोदय खड़े हैं जी, बताइए कि इस बार प्रतापगढ़ सीट को लेकर क्या रहेगा, और इस बार भाजपा और कांग्रेस की जो टक्कर देखी जा रही है और तीसरा मोर्चा जो बाप ने नवगठित हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रतापगढ़ विधानसभा है लगभग 2 लाख वोटर्स की विधानसभा है, और यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। अभी वर्तमान के हालात में बताऊं तो यहाँ पर प्रतापगढ़ में जो स्टैंडिंग MLA हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, और उनके विकास कार्यों को अगर भुनाते हैं और यदि उस पर मतदाता जाता है तो इस बार यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। परंतु जिस तरह से यहाँ पर भाजपा द्वारा लगातार जो स्टैंडिंग विधायक हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा है, यदि जनता के दिलो दिमाग में इस तरह की बातें यदि जहन कर जाती है तो फिर संभव है कि इस बार BJP को भी चांस मिल सकता है। हालांकि अभी बहुत कुछ चीज़ें खुलना बाकी है, क्योंकि जहां पर एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस में तो टिकट को लेकर इतनी माथापच्ची और इतनी जो मतलब संघर्ष वाली स्थिति नहीं है, परंतु भाजपा में फिलहाल जो देखा जाए तो वो टकराव की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से यहाँ पर 2-3 नाम जो सामने आ रहे हैं, जिनमें यहाँ पर जो वर्तमान में जैसे कि जो ABP की पृष्ठभूमि से ईश्वरलाल मीणा, उनका नाम चल रहा है, और वहीं अगर भाजपा में जो पुराने देखें तो जो जिनका यहाँ पर प्रतापगढ़ में वरद हस्त है और जिनके 35 साल का जिनका राज रहा है भाजपा के, जो नंदलाल मीणा, उनके बेटे को टिकट मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये 2 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ समीकरण रहते हैं, क्योंकि जो भाजपा की राजनीति है, जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक गुटबाजी है। तो अब देखना ये है कि कौन से गुट के व्यक्ति को टिकट मिलती है, और इस बार जो खासतौर पर मोदी जी का जो एक परिवारवाद वाला जो स्टैंड है, जिसके चलते यहाँ पर पूर्व में धरियावाद में भी आपने देखा हो तो जो धरियावाद में दिवंगत गौतम मीणा है उनके जो बेटे हैं कन्हैयालाल मीणा, उनको पिछले उपचुनाव में टिकट नहीं मिली थी। हालांकि इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था, परंतु वर्तमान में क्या स्टैंड भाजपा का रहता है इसके ऊपर आगामी समीकरण तय करेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नई पार्टी और उभरी है, बाप पार्टी, तो इसका अस्तित्व तो अभी अभी हुआ है, परंतु इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इन्होंने पहले BTP में इन लोगों ने काम किया है, और इन्होंने राजस्थान और इस वागड़ क्षेत्र से अपने MLA भी जिता कर दिए हैं। तो अभी इस पार्टी का भी यहाँ पर काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि अगर अपन 6 महीने पहले या 1 साल के पहले का एनालिसिस देखें तो यहाँ पर जो इनकी रैलियाँ हुई है और जो इनकी सभाएं हुई हैं उनमें इन्होंने सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है, और हजारों की संख्या में यहाँ पर इनके मतलब जो कार्यकर्ता जुटे हैं, और इन्होंने बिना किसी प्रशासनिक सहायता के और बिना किसी इनका जो लवाजमा निकला है उसमें स्वयं की व्यवस्था से इन्होंने इन रैली का संचालन किया है, और काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो अब जहाँ तक बात करें पूरी प्रतापगढ़ विधानसभा की, तो यहाँ पर कांग्रेस से विधायक रामलाल मीणा प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं, और भाजपा से यहाँ पर 2 नाम मैंने जैसे कि आपको बताया, ईश्वरलाल मीणा और हेमंत मीणा की दावेदारी चल रही है। वहीं जो कि BAP पार्टी जो कि BTP से टूट कर आई है, और उसके जो मांगीलाल नीनामा है जो कि मांगू दादा के नाम से प्रसिद्ध है, उनके काफ़ी फैन फॉलोवर है, तो वो इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनने वाली है। अब देखना यह कि किस तरह के समीकरण साधे जाते हैं, और जो ये BAP पार्टी है ये किसको नुकसान पहुंचाएगी उसके ऊपर प्रतापगढ़ विधानसभा का समीकरण तय करेगा, और यहाँ जो विधायक की ताजपोशी है वो उसके सिर पर होगी जिसको ये BAP पार्टी नुकसान पहुंचाएगी। जिसको नुकसान पहुंचाएगी वो हार सकता है, और जिसके वोट कटेंगे और जिस पार्टी के खाते में जाएंगे वहां पर उस पार्टी के जीतने की संभावना। फिलहाल सारे समीकरण अभी पत्ते सारे खुले नहीं है, तो फिलहाल तो कुछ भी मुश्किल है संभव कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर जो वर्तमान हालात है वो ये है। और हमारे साथ और भी पत्रकार हैं जिनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? इमरान मंसूरी जी। सर, बताइए प्रतापगढ़ की जो स्थिति है अभी किस हिसाब से, और धरियावाद और प्रतापगढ़ विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ का अगर हम लोग बात की जाए तो प्रतापगढ़ में जो वर्तमान विधायक है रामलाल मीणा, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, उनके विकास के जो दावे वो कर रहे हैं, लोग उनके विकास कार्य को देखते हुए अगर वोट करें तो रामलाल मीणा के निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए BJP से, तो BJP में भी काफ़ी गद्दावर नेता रह चुके हैं अपने, हेमंत मीणा, उनके पिताजी का 35 साल का वर्चस्व प्रतापगढ़ में रहा है नंदलाल मीणा, तो अगर उनको टिकट मिलती है तो काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन अब जो नया अपना बाप पार्टी उभर के आई है तो वो त्रिकोणीय जो ये मुकाबला रहेगा तो काफ़ी, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जैसे कि भाजपा से दूसरा प्रत्याशी अपन ईश्वरलाल मीणा को देखते हैं, अब ईश्वरलाल मीणा की पृष्ठभूमि ABVP है,
जो संघ से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से वो संघ से कार्यरत रहे हैं। एबीवीपी में उन्होंने जिला जो कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं वो, तो अगर देखा जाए तो उनको अगर टिकट मिलती है तो यूथ उनके साथ काफ़ी है। अभी उन्होंने अपना जो शक्ति प्रदर्शन किया था, जो उन्होंने परिवर्तन की यात्रा निकली थी उस समय जो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो यूथ काफ़ी उनके साथ था। तो देखा जाए तो अगर उनको टिकट मिलती है तो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे भाजपा कर पाएगी। और अगर अपन देखा जाए ऐसा है कि मान लीजिए अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला है तो इसमें अभी ये तय करना ज़रूरी नहीं हो पाएगा कि यहाँ तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। देखा जाए तो जो बाप पार्टी तीसरी है लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो बीटीपी से निकले हुए हैं, वो उन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत की हुई है। उनका जो शक्ति प्रदर्शन रहा है अभी पिछले कुछ महीनों में वो काफ़ी हद तक रहा है बेहतरीन। तो अगर वो पार्टी किसी पार्टी को नुकसान करती है तो वो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है ऐसा कि वो बीजेपी को करेगी और कांग्रेस को भी थोड़ा करेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दरियावद को लेके आपका क्या कहना है, दरियावद विधानसभा सीट को लेकर? दरियावद में ऐसा देखा जाए तो कन्हैयालाल मीणा काफ़ी प्रभावी रहे हैं, उनके पिताजी पहले विधायक रह चुके हैं और भाजपा ने उनको जो लास्ट उपचुनाव हुए थे उस समय टिकट नहीं दिया, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि दरियावद से तो कन्हैयालाल मीणा बिल्कुल सेफ निकलेंगे। इनका कहना है कि दरियावद से अगर कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिलता है तो कन्हैयालाल मीणा दरियावद से सीट निकाल सकते हैं, और अगर कन्हैयालाल को टिकट नहीं मिलता तो इसका खामियाजा पहले भी भाजपा को तीसरे नंबर पर रही थी। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? दिलीप सर। दिलीप जी बताइए, प्रतापगढ़ जिले में इस विधानसभा के बारे में आपका क्या कहना है और इस बार क्या लगेगा, मतलब भाजपा और कांग्रेस में किस तरह से टक्कर देखी जा रही है? दरअसल प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, बाप कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस में जो विकास कार्यों को लेकर अगर चर्चा की जाए तो विधायक रामलाल मीणा ने क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाए हैं, इसको लेकर ये वोट प्लस हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी हमेशा है जो विधायक रामलाल मीणा के ऊपर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं। अगर उसको अगर देखते हुए अगर टिकट है जो बीजेपी में अगर हेमंत मीणा को मिले तो ये एक परिवाद कहा जाएगा। उसमें जो नया पार्टी में एक और कैंडिडेट उभर के आ रहा है जो ईश्वरलाल मीणा है, जो एक यूथ के साथ है और एबीपी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर परिवाद को देखते हुए अगर भाजपा अगर हेमंत मीणा को टिकट नहीं देती है और ईश्वर मीणा को टिकट देती है तो कुछ टक्कर है जो हो सकती है। उसके बाद अगर तीसरी पार्टी की बात करें बाप की, जिसमें मांगीलाल निनामा करके है, जो लोग उनको मांगू दादा के नाम से जानते हैं, उनका भी शक्ति प्रदर्शन है हाल ही में जो काफ़ी सराहनीय रहा है और काफ़ी तादाद में उन्होंने भीड़ जुटाई है। कुल मिला के अगर प्रतापगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधायक रामलाल मीणा का कांग्रेस से पलड़ा भारी है। उसके बाद अगर बीजेपी में बात करें, अगर पार्टी वहाँ पर अगर सही साठ अगर टिकट का दावेदार चुनती है और अगर पार्टी एकजुटता, क्योंकि अगर दरअसल देखा जाए तो भाजपा में यहाँ पर बिल्कुल बिखरा हुआ है, नीचे से जमीनी स्तर पर से देख लें तो हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर बिखरा हुआ है, इसलिए भाजपा को कहीं ना कहीं जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हाल ही में जो अभी नई कार्यकारिणी गठित हुई थी जिसमें नए कैंडिडेट ईश्वरलाल मीणा को जो जिला मंत्री का है जो दायित्व सौंपा गया था, उसमें जो पुराने जो दायित्व पे जो कार्यरत थे उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन भी उठाया और वो जो कार्यकारिणी को स्थगित करते हुए वापस पहले वाली कार्यकारिणी को ही उसमें जो संजय रूप से यह किया गया था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टीवाद को अगर खत्म करके भाजपा अगर कुछ अच्छा निर्णय ले तो आगे के आए जो कुछ भाजपा के पक्ष में जो विधानसभा सीट जा सकती है। मोदी जी लगातार जैसे कि अभी मंडपिया चित्तौड़ में आए हुए हैं, सावलिया जी में आए हुए, तो मोदी जी की सभा से क्या भाजपा को फायदा होगा क्या? मोदी जी तो एक ऐसा चेहरा है जो मोदी जी के हिसाब से पहले जो जो दावेदार है जो नहीं जीत पाते तो वो लोग भी है जो उसमें दावेदारी में जो विधायक के पद पर निकल चुके हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में अगर पूर्व में ये भाजपा के कैंडिडेट हेमंत मीणा को अगर मोदी लहर के समय अगर जो ये करते तो उस वक्त जो दावे के साथ कह सकते थे हेमंत मीणा उस वक्त निकल सकते थे और उस वक्त वो विधायक रामलाल मीणा के सामने जो अपना चुनाव हारे हैं। इसलिए जो मोदी जी एक चेहरा है, मोदी जी अगर जो चेहरे को लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पार्टी प्रतापगढ़ में तो काफ़ी फूट देखी जा रही है जिसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। इनका कहना है प्रतापगढ़ में जिस तरह से फूट देखी जा रही है, अगर मोदी जी के नाम से अगर चेहरा मोदी जी के नाम से अगर चुनाव लड़ते अगर पहले ही टिकट दिया जाता हेमंत मीणा को तो जीत निश्चित थी, लेकिन इस बार कुछ कठिनाई के साथ बता रहे हैं। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद है। सर आपका नाम और सर किस प्रकार प्रतापगढ़ और दरियावद के बारे में आपकी जो विधानसभा को लेकर आपका कहना है? सर मेरा नाम उमर सिंह है। जिस प्रकार अभी हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के अंदर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पुरजोर हर तरह का प्रयास कर रही हैं। कोई अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए
धार्मिक रूप से सहारा ले रही है, कोई अपने विकास कार्यों को लेकर के सहारा ले रही है। बाकी जिस प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर एक समीकरण रहा करता है कि 5 साल बीजेपी राज करती है और 5 साल कांग्रेस करती है, जो वो लगातार चलता आ रहा है, लेकिन इस बार माननीय जननायक अशोक गहलोत जी के जो विकास कार्य और जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं उनको ध्यान में देखते हुए हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि इस बार राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा से कांग्रेस सरकार ही आएगी और रिपीट आएगी और अच्छे सीटों के द्वारा आएगी, क्योंकि माननीय जननायक अशोक गहलोत जी ने वो विकास कार्य किए हैं जो आज तक किसी भी राज्य के अंदर नहीं किए गए। जिस प्रकार जैसे चिरंजीवी योजना है जिसके अंदर पहले 10 लाख का इलाज था, 25 लाख तक का इलाज हो रहा है, अभी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चल रही है, इसके बाद में महिलाओं के लिए मोबाइल योजना या और अनेक प्रकार की जो योजना थी वो धरातल स्तर पर चल रही हैं, और इन सभी योजनाओं को अगर सभी ध्यान में रखेंगे तो राजस्थान के अंदर रिपीट सरकार आएगी। इनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की जो योजना चल रही है उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत फिर से रिपीट हो पाएंगे, और इनका कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं साबित हुए हैं और पब्लिक भी उनको चाहती है। संजय जैन, राजस्थान तक, प्रतापगढ़।